फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणवीर गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलेन एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर वीक 4 के वो करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सितंबर वीक 4 के हम आज करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने यहाँ लिए हैं, उसको आप एक बार देखें। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो पीछे जाके मेरे सितंबर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक के करंट अफेयर्स देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स साथ ही साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपलोड की जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि आप जब लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोस बनाने का मन करता है। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का निधन हुआ है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन गिवन है, जिसमें से सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम के राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हुआ है। आइए देखते हैं वियतनाम के बारे में थोड़ा और कुछ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वियतनाम इज ए साउथ साउथ चाइना सी नोन फॉर इट्स बीचेस। वो किस लिए जाना जाता है? उसके बीचेस के लिए जाना जाता है, रिवर्स के लिए जाना जाता है, और बुद्धिस्ट जो भी है वहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर है उसके बारे में जाना जाता है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? हनोई। हनोई इसकी कैपिटल है और ये जाना जाता है किस लिए? इसके बीचेस, रिवर और बुद्धिस्ट जो भी वहाँ के कल्चर है उसके बारे में। और ये कहाँ है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए भारत का चुना गया है? भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सी फिल्म को चुना गया है ऑस्कर 2019 के लिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, दंगल, विलेज रॉकस्टार, संजू या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो आप देख पा रहे होंगे, बी, विलेज रॉकस्टार। आइए देखते हैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा फोटो में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विलेज रॉकस्टार, ये किसकी मूवी है? ये डायरेक्टेड बाय है रीमा दास की। बगल में उनकी रीमा दास की फोटो है और ये फिल्म का जो लोगो है वो है विलेज रॉकस्टार। इस फिल्म को 2019 ऑस्कर के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सेल SAI नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, विजय प्रकाश, पीके सिंह, अनिल कुमार और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है अनिल कुमार। आइए फोटो में देखते हैं अनिल कुमार, अनिल कुमार को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हैं मिस्टर अनिल कुमार, जिनको कि सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए सेल की, तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि हाल ही में किस ई कॉम कार्डलेस क्रेडिट की सुविधा लॉन्च की है? जी हाँ फ्रेंड्स, कार्डलेस क्रेडिट की सुविधा किस कंपनी ने लॉन्च की है? किस इस ई कॉमर्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर है फ्लिपकार्ट। हाँ फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने यह सेवा स्टार्ट की है जिसमें आप 60,000 तक का कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 60,000 तक की लिमिट मिलेगी, इसमें आप कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं 60,000 रुपये तक। इस स्कीम का नाम है कार्डलेस सेवा। फ्लिपकार्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुई थी सन 2000 में, 2007 में फ्लिपकार्ट कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये हैं यहाँ पे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन्होंने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था। और मैं आपको एक फैक्ट और बता देना चाहता हूँ कि ये जो ई पे है, मिंत्रा है, ये फ्लिपकार्ट की ही है, किसी और की नहीं है, फ्लिपकार्ट की है। मिंत्रा, ई पे, ये सब इन्हीं लोगों की है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की, फ्लिपकार्ट की ही फ्रेंचाइजी है ये। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की मिलिट्री एजेंसी और उसके निदेशक पर प्रतिबंध लगाया है? यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, रशिया, जापान, चाइना और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो अमेरिका है उसने चाइना की मिलिट्री एजेंसी और उसके निदेशक के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए हैं? हाल ही में गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर है, दो पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, हमारे गृह मंत्री हैं भारत के। इन्होंने ही न्यू दिल्ली में लॉन्च किए दो पोर्टल महिला सुरक्षा के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर था दो पोर्टल। और लॉन्च किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत में 5G लॉन्च करने के लिए जापान के सॉफ्टबैंक और NTT कम्युनिकेशन के साथ किसने समझौता किया है?
भारत ने 5G लॉन्च करने के लिए जापान के सॉफ्टबैंक और एनटीटी कम्युनिकेशन के साथ समझौता हुआ है। तो ये समझौता किसने किया है? बीएसएनएल ने किया है, जियो ने किया है, एयरटेल ने किया है, या किसी ने नहीं किया है? तो इसका सही आंसर है बीएसएनएल। बीएसएनएल ने जापान की एनटीटी और सॉफ्टबैंक के साथ समझौता किया है। अगर बात की जाए बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का किया है, मीटू से जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है, इसका सफलतापूर्वक टेस्ट कहाँ किया गया है? तो इसका सफलतापूर्वक टेस्ट जो है वो उड़ीसा में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, उड़ीसा के विलर डीप पे इसका जो टेस्ट है वो किया गया है, जिसका नाम बदल करके अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का सफलतापूर्वक किया गया है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा विलर द्वीप। विलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में बाघों की संख्या दुगनी हुई है? हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में सन 2000 में जब इसकी जनगणना हुई थी तो 121 बाघ थे, और अब जब हुई है तो यहाँ पे 235 बाघ पाए गए हैं। तो इसका मतलब इनकी जो संख्या है बाघों की वो यहाँ पे दुगनी हो गई है। देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, और वहाँ की जो करेंसी है वो नेपालीस रुपये है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खगड़ा प्रसाद ओली, प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं बिंद्या देवी भंडारी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली व्हाट एड डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फॉर द तंबाकू यूज़र? भारत सरकार ने किस सहायता की शुरुआत की है तंबाकू यूज़र्स के लिए? तो इसका सही आंसर है क्विट लाइन नंबर। हर तंबाकू के पैकेट के ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, क्विट लाइन नंबर, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करके पता कर सकते हैं इसके बारे में क्या क्या नुकसान है तंबाकू के और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो नंबर पे आपको पता चल जाएंगी, उस पे आप कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है क्विट लाइन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज़ टू बी एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा मार्टिन स्टील। टाटा स्टील किसको कर रही है? तो उषा मार्टिन स्टील को एक्वायर कर रही है। और बात की जाएगा टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील भारत की पहली स्टील कंपनी है, और ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, और जो भी कंपनियां हैं वो पब्लिक सेक्टर हैं, बट ये जो है टाटा स्टील ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है उषा मार्टिन स्टील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का उद्घाटन शहर में किया गया है? हाँ फ्रेंड्स, तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसका जो हेडक्वार्टर है किसका? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, और मैं बता दूँ ये जो सभा है प्रचार सभा ये किस लिए है? तो ये इसलिए है कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे हिंदी को प्रमोट करना और हिंदी को पढ़ाना, हिंदी को समझाना, ये इस प्रचार सभा का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। इसको इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने फैसला दिया है कि आधार कार्ड के साथ जोड़ना अनिवार्य है? आपको पता ही होगा अब जो आधार कार्ड है वो पैन कार्ड के साथ जोड़ना जो है वो अनिवार्य हो गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड पैन के साथ लिंक होना चाहिए, वरना ये नहीं होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये किसने दिया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन क्या नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, वेंकैया नायडू ने, या नन ऑफ दीज, किसी ने नहीं किया है? तो इसका सही आंसर है सी, वेंकैया नायडू। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू ने किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं जिसका जो उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया है, मिस्टर वेंकैया नायडू ने किया है इसका। और एक क्वेश्चन और कि वेंकैया नायडू कितने नंबर के प्राइम वाइस प्रेसिडेंट हैं? तो ये 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नेपाल में। अभी मैंने आपको नेपाल के बारे में पीछे बताया था, नेपाल की कैपिटल, वहाँ की प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की करेंसी के बारे में, तो आपको वहाँ पता ही चल गया होगा। और यहाँ भी जो सही आंसर है वो है नेपाल। नेपाल में इंद्र यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है, और आप जानते ही होंगे जो इंद्र हैं वो बारिश के देवता हैं, बारिश के लिए त्यौहार मनाया जा रहा है कि अच्छी फसलें वगैरह हों, इसलिए नेपाल में ये मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एयर टू एयर का सफलतापूर्वक टेस्ट
कहाँ किया गया है? जी अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कहाँ किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार चार ऑप्शन गिवन है, जिसमें से सही आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज इतनी साफ नहीं है, लेकिन जिसका टेस्ट है वो वेस्ट बंगाल में किया गया है, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। और एक चीज़ और, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, यही था इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं की वैश्विक सूची में भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो ये मैं आपको बता दूं कि टॉप 50 में तो इंडिया है ही नहीं, इंडिया की कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 50 में नहीं है, सॉरी टॉप 250 में, 250 यानी टॉप 250 में तो नहीं है, उसके बाद इंडिया का कहीं नंबर है और वो भी है IISc बैंगलोर का नंबर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉप 250 में तो नहीं है, बट उसके बाद जो है वो है IISc बैंगलोर। और अगर मैं बता दूँ टॉप पे, तो टॉप पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कौन सा राज्य 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू करेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन योजना शुरू करेगा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, 150वीं जयंती पर पेंशन योजना शुरू करेगा, तो ये शुरू करेगा आसाम। आसाम जो है वो 2 अक्टूबर को पेंशन योजना शुरू करेगी। आइए देखते हैं आसाम के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंदा सोनवाल। ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो ओ मोर अपूर्णर देश, ये वहाँ का कैपिटल ऑफिशियल सॉन्ग है। ये थी आसाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में, सॉरी ये बी हो गया है, इसको ही कर लीजिएगा, हाल ही में अतुल्य भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? जी हाँ फ्रेंड्स, अतुल्य भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है KJ अल्फोंस ने। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है बी, KJ अल्फोंस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यही हैं KJ अल्फोंस जिन्होंने अतुल्य भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ये प्रेजेंट टाइम में केंद्र पर्यटन मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, हाल ही में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है जोधपुर में, और जोधपुर में किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो उद्घाटन है वो जोधपुर में किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये इसलिए किया जा रहा है जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी के बेस पे इसको मनाने के लिए, उसी की मतलब जस्ट मनाने के लिए इसका जो है वो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकपाल खोज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लोकपाल खोज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन गिवन है, रंजना गोगोई और AK नारायण और रंजना प्रकाश देसाई। तो इसका सही आंसर है रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसका सही आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विक्रम मिश्र को किस देश का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना का अगला जो राजदूत है वो है विक्रम मिश्रा जी अगले राजदूत होंगे कहाँ के? चाइना के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक की नई शाखाएं खोलने से रोका है? हाल ही में RBI ने किस बैंक को नई शाखाएं खोलने से रोका है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है यस बैंक, देना बैंक, बंधन बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक को RBI ने रोक दिया है नई शाखाएं खोलने से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बंधन बैंक, और इसी को रोक दिया है RBI ने नए जो शाखाएं हैं उनको खोलने के लिए। ये इस वजह से क्योंकि शेयर मार्केट में इनका जो बिजनेस था वो सही नहीं चल रहा था, इस वजह से इनको रोक दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय वित्त सूचना प्राधिकरण प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रीय वित्त सूचना प्राधिकरण क्या है? तो ये NFRA है, इंग्लिश में NFRA होगा इसका फुल फॉर्म, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रंगाचारी श्रीधरन इनको जो है वो नियुक्त किया गया है, क्या? NFRA का नया प्रमुख। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था सितंबर 4th वीक के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो भी जॉब वैकेंसीज होती हैं उसको मैं अपडेट कर देता हूँ अपने चैनल पर। तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट, थैंक यू।